केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाई है। श्री ठाकुर ने महतारी योजना सहित कई अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए राज्य की भूपेश सरकार के झूठे वादों को बताया कि महतारी सम्मान योजना में मातृशक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 5 साल में लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया, इसके बदले पीएससी स्कैम दिया, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ही 3-3 को रोजगार मिला लेकिन छत्तीसगढ़ के नौजवान को नहीं मिला, गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। श्री ठाकुर ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की अहम की वजह से प्रदेश के 18 लाख परिवार पक्के मकानों से वंचित रह गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देश में मिले, लेकिन अहंकार भूपेश बघेल जी का देखो, जिन्होंने प्रदेश के गरीबों को, जरूरतमंदों को 18 लाख पक्के मकान जो मोदी जी ने भेजे थे, अपने कैबिनेट की सहयोगी और सबसे वरिष्ठ विधायक को नीचा दिखाने के चक्कर में 18 लाख गरीबों के पक्के मकान नहीं बनने दिए। ये गरीबों का श्राप, कांग्रेस साफ। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता में महादेव ऐप घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार का प्रदेश में सट्टा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका रही है।